सुजाता टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज, मैं हूं सुजाता। और चलिए नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में। 38 दिनों तक गायब रहने के बाद मंगलवार को अचानक से हनीप्रीत सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सवाल उठ रहे हैं कि वह इतने दिनों तक छिपी कहां थी। राजद्रोह का आरोप झेल रही हनीप्रीत की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। ऐसी खबरें थी कि वह नेपाल भाग गई है, लेकिन वह वहां नहीं थी, पंजाब के भटिंडा में थी। पुलिस पूछताछ में हनीप्रीत ने दावा किया कि वह कभी नेपाल नहीं गई और पंजाब के भटिंडा में एक डेरा समर्थक के घर छिपी हुई थी। लेफ्ट के मजबूत किले केरल को भेदने के लिए वहां की बीजेपी इकाई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पहली पसंद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मंगलवार को लाल आतंक के विरोध का नाम देते हुए अमित शाह ने जिस जनरक्षा यात्रा का आगाज किया, आज उसकी बागडोर यूपी के सीएम योगी के हाथों में होगी। योगी कन्नूर पहुंचेंगे और यात्रा निकाल रहे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। कन्नूर सूबे के मुख्यमंत्री पी विजयन का गृह जिला है। योगी इस यात्रा में बुलाए गए इकलौते सीएम हैं। बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि सत्ताधारी लेफ्ट यहां इस्लामिक चरम पंथ और हिंसा को लेकर नरमी बरत रहा है। यात्रा का मकसद लेफ्ट पर इस बात का ठप्पा लगाना है कि वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में जुटा हुआ है। पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मार गिराए गए हिजबुल के सीनियर कमांडर कयूम नजर की मुखबिरी उसके अपने ही साथियों ने की थी। कयूम के बारे में पूरी जानकारी उसके पीओके स्थित आतंकी संगठन के लोगों ने ही दी थी। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया था कि नजर पीओके से कश्मीर लौटने की तैयारी में है। यही नहीं, नजर के इन आतंकी साथियों ने यह भी बताया था कि वह किसी पहाड़ी के रास्ते भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर सकता है। इस टिप के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने एलओसी में घुसपैठ के दौरान इस खूंखार आतंकी को मार गिराया। गुजरात में एक बीजेपी नेता की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी गई। मामला बड़ोदरा के भोपड़ का है, जहां नवी नगरी मलिन बस्ती के दौरे पर पहुंचे बीजेपी पार्षद हसमुख पटेल को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पार्षद की पिटाई करने वाले लोग बड़ोदरा नगर निगम के कुछ महीनों पहले मलिन बस्ती में झुग्गियों को हटाए जाने के लिए चलाए गए अभियान का विरोध कर रहे थे। यूपी बोर्ड एग्जाम्स में इस बार 9वीं और 11वीं में पिछले साल की तुलना में लगभग 14 लाख कम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये छात्र 2017-18 के अकादमिक सेशन में एग्जाम देंगे। पिछले सेशन में 67 लाख से ज्यादा छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इस साल यूपी बोर्ड में छात्रों की संख्या गिरकर 53,34,000 पर आ गई है और मात्र 13,66,000 छात्र ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बनने वाली फिल्म में सोनिया गांधी का किरदार एक इटालियन एक्ट्रेस निभाने वाली है, यह जानकारी एक सूत्र ने दी है। हालांकि एक्ट्रेस का नाम गुप्त रखा गया है। इस फिल्म में राहुल गांधी की भूमिका के लिए एक ब्रिटिश एक्टर को चुना गया है। इस फिल्म के लिए 128 के मेंबर कास्ट के बाकी लोगों को फाइनल करने के लिए जल्द लंदन और इटली में ऑडिशन शुरू होंगे। यह फिल्म 2019 के आम चुनाव से चंद महीने पहले रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। नमस्कार।